हेलो एवरीवन। सो आप लोगों का यूजीसी नेट का पेपर हो गया है और आप में से कई लोगों का यूजीसी नेट भी क्लियर हो जाएगा, जेआरएफ भी क्लियर हो जाएगा और कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका कुछ भी अगर क्लियर नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि यार पीएचडी तो करनी है, अब पीएचडी करे कहाँ से, किस तरीके से पीएचडी होनी चाहिए, क्या बेनिफिट है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के, क्या बेनिफिट है प्राइवेट यूनिवर्सिटी के। ये जो आपके दिमाग में ये जो बर्निंग क्वेश्चन है ना, सिर्फ इसी को ही आज हम एड्रेस करने आए हैं। मैं प्रीति बोरा एंड शिव सर हमारे इस चैनल जेआरएफ अड्डा में। एंड आज सबसे पहले तो ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, बिकॉज रिसर्च स्कॉलर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज सर आपको पता है हम दोनों भी रिसर्च स्कॉलर हैं और ये सब हम अपने एक्सपीरियंस से बोलना चाहेंगे। सो हेलो एवरीवन। सो जैसा कि मैम ने बताया कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि पीएचडी कहाँ से करनी चाहिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए, और गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी हम कैसे सेलेक्ट करें, हमारे क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए पीएचडी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज मैं और प्रीति मैम है वो डिस्कस करेंगे और हम हमारे एक्सपीरियंसेस से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम दोनों ही पीएचडी कर रहे हैं और दोनों ही रिसर्च स्कॉलर हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज आपके साथ में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी जब आप चूज करते हो तो मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आपको दिखा देती हूँ कि आपके पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि आपके पास पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं। बट सर आपने कैसे इसे सेलेक्ट किया था, क्या क्राइटेरिया आपने रखा था, जरा आप बताएंगे इन सबको। जी मैम, देखो जब भी आपको पीएचडी करनी हो ना तो मेरे हिसाब से आपको नेक की ग्रेडिंग जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, नेक की ग्रेडिंग इसलिए देखनी चाहिए कि मैम जिस भी यूनिवर्सिटी की नेक की ग्रेडिंग अच्छी होती है ना, वो यूनिवर्सिटी जनरली रिसर्च में अच्छी होती है, क्योंकि नेक की जो ग्रेडिंग मिलती है उसके क्राइटेरिया ही आपके ये होते हैं रिसर्च वाला। बहुत इनोवेशन मतलब रिसर्च जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, क्योंकि हमें तो रिसर्च फील्ड में जाना है ना। तो ये नेक की ग्रेडिंग है ये आपको जरूर देखनी चाहिए यूनिवर्सिटीज के मामले में। और जो बेस्ट ग्रेडिंग होती है नैक की वो होती है AA+ बेस्ट होती है, तो आप वो देख के उसी के बेसिस पे, एंड आप इंडिविजुअल भी ग्रेडिंग देखिए कि भाई आप कौन से पर्टिकुलर रिसर्च वाले में एरिया में अच्छा है, क्योंकि कई लोगों का साइंस जैसे CSIR नेट है, कई लोगों का जो साइंटिफिक फील्ड है तो उसमें तो आप ये देखोगे ना कि आपको अच्छी लेबोरेटरीज मिले, अच्छी लाइब्रेरीज मिले, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब गवर्नमेंट वर्सेज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो पहला हमारा क्वेश्चन होता है कि यार एडमिशन कैसे मिलेगा। सर गवर्नमेंट का तो हमें पता है कैसे मिलता है, पेपर क्लियर करके। देखो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में लेना हो तो आप सबको पता है कि एक पेपर होता है, एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका वाइवा होता है। ठीक है, आपका रिसर्च प्रपोजल है वो आपको बनाना पड़ता है, ये सारा एक प्रोसेस होता है जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब बात ये तो हो गया गवर्नमेंट का, अब मैम आपको बताएगी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या करना होता है जब हम एडमिशन लेते हैं। कुछ लोगों का ये थोड़ा मिथ है कि सिर्फ ये सारे प्रोसीजर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ही फॉलो होते हैं, तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोल दिया है कि अगर आपने नैक की ग्रेडिंग चेक कर ली है उसके बाद आप आ रहे हो कि कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बेटर है, तो कई ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो काफ़ी सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ से बेटर हैं। ठीक है, तो अपने दिमाग में पहले से ही एक मिथ मत पालो कि यार ये नहीं करना वो नहीं करना, बिकॉज क्या होता है कि सीट्स लिमिटेड है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। कई आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है, बाकायदा बहुत कॉम्पिटिटिव भी हैं, यानी कि वहाँ पे सबको लेते भी नहीं है, लोगों का गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में हो जाता है बट वहाँ पे नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल OP जिंदल बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर मैं आपको बताऊँ तो, और एडमिशन में पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है, पूरा एक पैनल बैठता है आपका इंटरव्यू का, पूरा रिसर्च प्रपोजल पूछा जाता है, हर एक एक लाइन पूछी जाती है, आपका पूरा प्रपोजल जब तक नहीं आता तब तक नहीं आपको हो जाए। एक चीज़ बताना चाहूँगा, OP जिंदल का मैम ने नाम लिया है क्योंकि मैम का एक्सपीरियंस है OP जिंदल के इंटरव्यू का। ठीक है, OP जिंदल यूनिवर्सिटी मैम ने क्यों देखी या क्यों दिया वहाँ पे इंटरव्यू, क्योंकि OP जिंदल की रैंकिंग बहुत अच्छी है मैम NIRF की। तो हमें जब भी यूनिवर्सिटीज़ देखनी हो तो यूनिवर्सिटीज़ को जो डिफरेंट डिफरेंट रैंकिंग निकलती हैं आपकी, जैसे QS वर्ल्ड रैंकिंग है आपकी, NIRF रैंकिंग होती है ना, संघाई रैंकिंग होती है ना, ये जो भी टाइम्स हायर की रैंकिंग होती है, ये सारी रैंकिंग देखनी चाहिए आपको जब भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। अब मैं थोड़ा सा पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा मैम एडमिशन में, जैसे आपने बोला कि प्राइवेट में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और टेस्ट को क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हैं तो हम रिकमेंड करेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लें आप, पर्टिकुलरली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना।
अगर आप टेस्ट को क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हैं और वो रखते हैं आप, है ना, वो रखते हैं, कईयों का बैड डे भी होता है, आप ऐसे मत बोलिए। या वो हमने एक्सक्लूड कर दिया, अगर टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या स्टेट यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन। दूसरा पॉइंट आता है फीस की। फीस में तो अगर मैं देखूं तो मैं बिल्कुल बोलूंगी कि भाई गवर्नमेंट में इतना पैसा नहीं लगता एंड काफ़ी चीज़ें आपको बहुत ही मतलब सबके एक्सेसिबल है, जो होता है ना कि सबके पहुंच में है एजुकेशन, वो वाला सिनेरियो है। बट प्राइवेट में ये चीज़ नहीं है, प्राइवेट में आपको फ़ीस तो देनी पड़ेगी और अच्छी खासी फ़ीस होती है डेफिनेटली। सो ये तो हम दोनों सर एग्री करेंगे कि ये फीस के मामले में। तो मैम कुछ आइडिया दे सकते हो मुझे प्राइवेट का, गवर्नमेंट का तो मैं बता दूंगा। प्राइवेट में देखो आपके पास एक फैसिलिटी तो डेफिनेटली है, जैसे समझ लो आपके आपका यूजीसी नेट नहीं निकला है, आपका जेआरएफ नहीं निकला है और फिर भी आप चाहते हो कि प्राइवेट वाला आपको पैसे दे और आप उसी से फीस भरे, मतलब एक्चुअली आपको स्टाइपेंड मिले या फिर टीचिंग असिस्टेंटशिप मिले, जो कि प्रोविजन होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक होती है टीचिंग असिस्टेंटशिप, जिनको नहीं पता वो मैं बता देती हूँ कि क्या होता है कि आपको मंथली या फिर वीकली आपको असाइन किए जाते हैं नंबर ऑफ आवर्स कि आप टीचर के असिस्टेंट काम करोगे, यानी कि आपको क्लास लेनी है, अगर आप साइंस वाले फील्ड में हो तो फिर आपको लैब्स लेनी है, इस तरीके के और भी थोड़े काम होते हैं वो करने पड़ते हैं। एंड उसके एक्सचेंज में क्या होता है, आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है एंड कई यूनिवर्सिटीज़ में वो स्टाइपेंड बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, एक बेनेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पर वो स्टाइपेंड 40,000 है, ठीक है, शारदा में जो स्टाइपेंड है वो 18,000 है, राइट, इतना स्टाइपेंड मिलता है। और ये तब है जब आप अपने ना तो यूजीसी नेट क्लियर किया है ना आपने जेआरएफ क्लियर किया है, बस आपने वो इंटरव्यू क्लियर किया है, बिकॉज प्रोसेस तो आपको पूरा इधर भी फॉलो करना पड़ेगा एंड पैनल आपका कम से कम 6-7 लोगों का आराम से बैठता है इंटरव्यू के लिए। एक चीज़ मैम आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो आप टीचिंग वाला बता रहे हो जेआरएफ के साथ में ले सकते हैं क्या ये? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, मतलब जेआरएफ भी ले सकते हैं और साथ में ये भी ले सकते हैं? नहीं नहीं, ये पॉइंट है कि जिसके पास जेआरएफ है वो एक्चुअली क्या होता है कि गवर्नमेंट की रूल्स हैं, गाइडलाइंस है कि अगर हम कोई पीएचडी स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसको दो फेलोशिप साथ में नहीं मिलती, उसको हमेशा एक ही फेलोशिप एक टाइम में मिलती है। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर जो हमने अभी डिस्कस किया उससे ये पता चल रहा है, मतलब मेरे को एक दिमाग में क्वेश्चन आया है, वो ये है कि यार अब समझ लो बच्चे का जेआरएफ क्लियर हो गया, अब क्या है उसका समझ लो हो गया था, उसने लिया नहीं एडमिशन एंड उसका एक्सपायर होने वाला है, वो चाह रहा है कि यार अब मेरा एक्सपायर हो जाएगा तो मैं फिर नया दूसरा निकालूं कि क्या करूं, तो मीनवाइल बंदा क्या करे, ठीक है, मीनवाइल बच्चा करे क्या, तो क्या सर ऐसा हो सकता है कि वो पहले प्राइवेट में एडमिशन ले ले एंड फिर क्योंकि उसका बच जाएगा मतलब वो पूरा एक्सपायर होना, ठीक है, और उसके बाद वो ट्रांसफ़र करा ले, क्या जेएफ ये जो स्कॉलरशिप है फेलोशिप है, क्या जेआरएफ इस फेलोशिप ट्रांसफरेबल है कि नहीं है? यस मैम ये बिल्कुल ट्रांसफरेबल है, आपका पीएचडी ट्रांसफ़र हो सकता है, देखो आपका गाइड भी ट्रांसफ़र हो सकता है, गाइड भी चेंज हो सकता है, ठीक है, उसके लिए एनओसी जारी करवानी पड़ती है, जो नया गाइड आप लेना चाहते हो उससे पहले आपको एनओसी जारी, उससे आप परमिशन लोगे, देन जो आपका करंट गाइड है उससे आपको एनओसी जारी करवानी पड़ेगी, तो आपकी फेलोशिप भी अगर आप दूसरी पीएचडी में एडमिशन लोगे तो आपकी स्टार्ट हो जाएगी एंड आपका गाइड भी चेंज हो सकता है, ये दोनों चीज़ हो सकती है। एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि जो आपको जेआरएफ की फेलोशिप मिलती है वो होती है मिनिमम 3 ईयर्स एंड मैक्सिमम 5 ईयर्स, तो आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं लेकिन उसमें जो ट्रांसफ़र है टोटल आपको 5 साल से ज़्यादा नहीं मिलेगी। सपोज़ आपने एक कहीं कॉलेज में आप 1 साल कर रहे थे, दूसरे कॉलेज में आपको समझ लो 4 साल से ज़्यादा पड़ गए और आप सोच रहे हो कि मुझे फेलोशिप नहीं मिल रही, तो वो वाला पॉइंट इतने ग्रीडी इतना नहीं बनना आपने, ठीक है, इतना लालची नहीं बनना बस, क्योंकि ये पॉइंट है आपका कि फेलोशिप ट्रांसफ़र हो जाती है बट उसकी एक ड्यूरेशन है, सर्टिफाइड ड्यूरेशन है, वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, बट ट्रांसफरेबल आप कर सकते हो। सर वेटेज की बात कर ले थोड़ा कि हमने बात कर ली, चलो गाइड को पहले देख लेते हैं, ठीक है, गाइड क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो मेरा ना एक सजेशन है, इससे पहले हम डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ, आप ना हमेशा जब पीएचडी करने जाओ ना थोड़ा क्लियर रहा करो माइंड में कि किस फील्ड में करनी है, किस टॉपिक में करनी है, और अपना गाइड ना पहले से ही थोड़ा चूज़ करो, ठीक है, उनको चूज़ करने से पहले उनको अप्रोच भी करो, उनको मेल करो कि सर ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो मैं आपके अंडर प्लीज़ करना चाहती हूँ ये, और थोड़ी गाइडेंस लो, ठीक है, सेम फील्ड से, क्योंकि इससे क्या होगा ना, इससे आपका आफ्टर पीएचडी ज्वाइनिंग के बाद वाला काम थोड़ा ईजी हो जाएगा, ईजी भी हो जाएगा और एक डायरेक्शनल होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप 10 जगह भटक रहे हो, आपको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है मैंने पहले से ही बात करके हमारा डिसाइडेड है और हम इस पे काम कर रहे हैं, आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, राइट? हाँ देखो गाइड का मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जनरली अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी लेते हो तो गाइड बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि पीएचडी में गाइड है वही सब कुछ है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि अगर गाइड आपकी ट्यूनिंग वाला नहीं मिला ना
तो आपकी लाइफ बहुत ही हैपेजर्ड हो जाएगी अगर पीएचडी करोगे, क्योंकि बाहर से तो लगता है कि यार पीएचडी कर लेते हैं डॉक्टर लग जाएगा फेलोशिप आएगी, लेकिन पीएचडी मतलब ये ऐसी ओखली है कि इसमें मुंह देना तो बहुत आसान है लेकिन निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है, इसको कंप्लीट करना बहुत पसीने आ जाते हैं, तो इसमें गाइड होता है ना उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो गाइड बहुत सोच समझ के लेना चाहिए प्राइवेट में करो या गवर्नमेंट में करो। और एक और बात है कि पीएचडी करी नहीं जाती, पीएचडी कमाई जाती है, ठीक है, इतना काम करना पड़ता है। सो कभी भी कुछ लोग बोलते हैं ना कि प्राइवेट में ज़्यादा काम कराते हैं गवर्नमेंट में कम काम कराते हैं, तो अगर आपने अच्छा काम करना है तो मैं तो ये बोलूँगी कि यूनिवर्सिटी कोई भी हो अगर आपका टॉपिक क्लियर है और आप उतने काम करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि कई होता है कि गवर्नमेंट में ना करने मतलब एडमिशन मिलने की वजह से एक दो साल वेस्ट करते हैं, तो मैं तो सीधे बोलती हूँ कि भाई टाइम वेस्ट मत करो, अपनी पब्लिकेशंस निकालो उस टाइम में, क्योंकि सर पब्लिकेशंस की वैल्यू है आपकी, बहुत ज़्यादा वैल्यू है पब्लिकेशंस की। इसके अलावा देखो हम बात कर लेते हैं वेटेज इन इंटरव्यू, तो देखो ये बहुत क्लियर है, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप करते हो ना तो आपको थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इंटरव्यूज में आपको ज्यादा प्रेफरेंस है वहाँ पे दी जाएगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सर ये तो सबको पता है कि दी जाएगी, बट क्यों दी जाएगी ये बताइए, कोर्स वर्क के दौरान और उसके बाद उसका बेनिफिट क्या होता है ये जानना है हमारी ऑडियंस को। देखो इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जितने भी हमने जो भी आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं है ना रिसर्च में, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो हाईली एक्सपीरियंस होते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जब आपका सिलेक्शन होता है, जैसे आप सब लोग तैयारी कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है, तो वहाँ पे एक सेट प्रोसीजर होता है, यूजीसी के नॉर्म्स होते हैं उसके तहत आपका सिलेक्शन होता है, और बहुत टफ कंपटीशन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और एक सीढ़ी बाई सीढ़ी गाइड बनते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आज असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने कल गाइड बना दिया, वो सीनियर पोजीशन पे जाके आपको गाइड बनाया जाता है जनरली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, तो वो एक्सपीरियंस का है ना एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के मानक अलग होते हैं, उसका आपको डेफिनेटली फायदा है। हाँ ये बात तो है, आई एग्री, बट एक थोड़ा प्राइवेट का भी एक चीज़ देख लेते हैं, वो ये है कि सर ने जो बोला आई एग्री, बट ये हमेशा नहीं होता, कभी कभार ऐसा भी होता है सर कि कुछ लोग होते हैं जो पूरे टाइम सिर्फ पढ़े होते हैं अपने, चाहे वो मास्टर्स कर रहे हैं चाहे एमफिल कर रहे हैं, एमफिल अभी डिसरिकार्ड हो गई है बट स्टिल लोग करते हैं बिकॉज आपको बहुत फ़ायदा मिलता है पीएचडी में, राइट सर। तो क्या होता है ना जब आप गवर्नमेंट की बात करते हो तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की पॉलिटिक्स भी चलती है, एंड जो गाइड होता है बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होता है, उसको बेटर अपॉर्चुनिटी या बेटर फैसिलिटी या फिर बेटर उनको लगता है कि वर्थ मिल रही है प्राइवेट में, तो वहाँ पे भी जाते हैं, तो ऐसे मामले में हमें गाइड चुनना चाहिए कि यूनिवर्सिटी। मैम ऐसे मामले में तो देखो गाइड को थोड़ा सा देखना चाहिए, और ये देखो कोई सेट नहीं है कि यार प्राइवेट से करनी नहीं है, जैसा कि मैम ने बताया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप कर सकते हो, है ना, ऐसा कोई नहीं है कि यार बस गवर्नमेंट में नहीं हो रहा तो प्राइवेट से करनी नहीं है, ठीक है। सबसे बेस्ट तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, आपका बहुत सारे लोगों का जीआरएफ होने वाला है, अगर आपको दो एक दो अटैम्प आपने ट्राई कर लिया, एक साल निकल गया आपका और गवर्नमेंट में नहीं हो पा रहा है, तो कोई अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी देख के आपको अपनी पीएचडी शुरू कर देनी चाहिए, उसमें ज़्यादा टाइम मत लगाओ, लंबी प्रोसेस है। यस yes. एक चीज मैं आपको बता देता हूँ अभी कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर हम बात करेंगे मैं और मैम कि लाइफ आफ्टर जीआरएफ, ठीक है, लाइफ आफ्टर जीआरएफ कि जीआरएफ के बाद की जिंदगी है वो आपकी कैसी होती है, क्योंकि हम टोटली अपने एक्सपीरियंसेस से बताएंगे, मैम आप कैसे बताएंगी और मैं मेरे से बताऊँ, दोनों जीआरएफ है और मैं तो दो, और ये पता है मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैंने दो बार जीआरएफ निकाला है एंड हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने तीन बार निकाला है, रीजन बीइंग कि एक बार जीआरएफ निकाला उसके बाद ऐसे गवर्नमेंट में थोड़ा ट्राई किया था, कोविड मेरा तो कोविड सिचुएशन थी, कुछ वैकेंसी नहीं निकल रही थी, ऐसी सिचुएशन भी होती है कि समझ लो मुझे एक पर्टिकुलर डिफेंस समझ लो डिफेंस स्टडीज़ में करना है और हर जगह सिर्फ एक ही सीट है, सीट ही नहीं है वहाँ पे, तो यार मैं बस बैठ रहूँ ये तो नहीं हो सकता ना, सो ऐसे केस में तो मुझे प्राइवेट की तरफ रुख करना ही पड़ेगा, राइट, और फिर मेरा एक्सपायर होने वाला था तो मुझे दोबारा लेना पड़ा, बट अब मैं समझ गई हूँ कि किस तरीके से करना चाहिए, राइट, ये तो इसलिए मेरे को था कि ये चीज़ हम जरूर कन्वे करें, ठीक है सर। सर तो रैप अप करें फिर इनको, देखो ऑलमोस्ट हमने सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है, बट फिर भी आपको कोई डाउट हो कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, हमारे सपोर्ट टीम के नंबर आपको दिए गए हैं वहाँ पे आप बोल देना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सबके लिए हमने रिसेंटली एक बैच स्टार्ट किया है एटम बैच, है ना, तो जो भी स्टूडेंट अपनी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं जेआरएफ की,
पीएचडी एडमिशन के लिए, तो आप जरूर एटम बैच में एनरोल करें। इसमें पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों के कोर्सेज आपको करवाए जा रहे हैं। पेपर वन का आप सेपरेटली भी ले सकते हैं और पेपर टू और पेपर वन आपको साथ में मिलेंगे, ठीक है। इसके बारे में कोई भी आपको जानकारी लेनी हो तो सपोर्ट टीम के नंबर दिए हैं, हमारा ऐप का लिंक आपको दिया गया है, वहाँ से जाके आप इंक्वायर कर सकते हैं या आप कमेंट में डाल दीजिए, आपको सारे के सारे जवाब हैं वो दे दिए जाएंगे। और अगर आपको पीएचडी या फिर रिसर्च या फिर कुछ भी रिसर्च का भी, गाइड का भी, इनफैक्ट सिनॉप्सिस बनाने का भी, इनफैक्ट आरएनसी क्या होती है, डीआरएनसी क्या होती है, सब कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि टॉपिक में हम स्पेशल वीडियो लेके आएँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम ज़रूर लेके आएंगे आपके लिए। ऐसा करते हैं मैम कि एक हम वर्कशॉप रख लेते हैं बच्चों के लिए, है ना, और उसमें हम रिगार्डिंग आपको पीएचडी में एडमिशन कैसे लें उसके लिए अच्छे से गाइड कर देंगे, आपको सिनॉप्सिस कैसे बनाने हैं, ठीक है, उसके लिए आपको अच्छे से गाइड कर देंगे, ठीक है। ये आरआरसी डीआरसी ये क्या होती है, सारी चीज़ें हम उस वर्कशॉप में आपको बता देंगे, ठीक है। और मैम हैं और एक सर हैं वो हमसे जुड़ने वाले हैं बहुत जल्दी, जिनका भी पीएचडी में बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, मतलब 2-3 बार उन्होंने जीआरएफ किया है, तो हम सब लोग मिलकर आपको इसके बारे में गाइड करने वाले हैं वर्कशॉप, ठीक है। तो ये जल्दी आ रही है आपके। सो गाइस आज के लिए इतना ही करेंगे, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो एक बार आप सब लोग इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में।